बैड इंसिडेंट हो गया कि मेरी गाड़ी ठुक गई है, मैं दिखाता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एलिगेंट आर्मी। तो भाइयों उनके सिस्टरों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आप भी सोच रहे होंगे कि यार लड़के ने क्या नाम रख लिया है, एलिगेंट व्लॉगर। एलिगेंट का मतलब होता है खूबसूरत, बिल्कुल खूबसूरत। आपके जहन में आ रहा होगा कि यार अपनी शक्ल के बिल्कुल ही मुखालिफ, बिल्कुल ही अपोजिट नाम रख लिया। बात तो सही है। ये तो आपने घबराना नहीं है मेरे भाई, क्योंकि अगर मैं एलिगेंट व्लॉगर हूँ तो आप भी एलिगेंट आर्मी हैं। खूबसूरत व्लॉगर की खूबसूरत आर्मी को वेलकम करते हैं हम आज के इस व्लॉग में। तो यार आज के व्लॉग में बहुत अजीब सा सीन हुआ है। सबसे पहले जब मैं उठा तो मैंने घड़ी को देखा तो तकरीबन 4 बजे थे। मैंने कहा आज आपका भाई सबसे पहले नहाए धोएगा, उसके बाद नमाज पढ़ेगा, और उसके बाद जो है ना सारे दिन का जो भी शेड्यूल होगा वो करके सारा कुछ प्लान करेंगे, फिर उस तरह से काम करेंगे। लेकिन सीन ये हुआ कि मैं समझ रहा था कि ये सुबह के 4 बज रहे हैं, लेकिन हुआ ये कि वो शाम के 4 बज रहे थे। तो सारे दिन का सत्यानाश हो गया। लेकिन जो जो भी होता है आपको दिखाते हैं, साथ रहिएगा। तो यार घूमने के लिए जा रहे थे हम इस्लामाबाद में, और एक बैड इंसिडेंट हो गया कि मेरी गाड़ी ठुक गई है, मैं दिखाता हूँ आपको। लड़के गए हुए मैंने अभी तक। क्यों छोड़ दिया उसे यारा? ऐसे ही जाने दे दिया है। असल में गलती मेरी भी थी थोड़ी सी। क्या कहे? लेकिन वो बहुत ज्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहा था ना लड़का, बच्चे तो होगी। असल में ये जो डेंट पड़ा है, ये जो है ना, ये मसला इसका बम्पर तो तबाह हो गया वैसे ही। खैर कैसी फीलिंग आई थी जब गाड़ी ठोकी थी? तो मैं तो उतर रहा था पकड़ने के, लेकिन आपने क्या छोड़ दो। तो यार गाड़ी ठुक गया, नुकसान शुकसान हो गया, तो अभी अब्बा को देखते हैं अब्बा के क्या रिएक्शन आते हैं। वैसे उम्मीद पूरी है कि कोशिश पूरी होगी कि अब्बा को बताना नहीं है, और गलती से अब्बा को पता लग गया या किसी मेरे ख़ानदान वाले ने ये वीडियो देख ली, तो फिर नमाज़ी जनाजा का ऐलान उसके बाद कर दिया जाएगा। ये मलक के फैन आए हैं जी यहाँ पर। मलिक फैन था तुम्हारा? हाँ। क्या क्या कह रहा था? बोला वीडियो बनाता है। अच्छा चलें जी, मलिक की फैन फॉलोइंग फिट हो गई। अब तो हमें भी टाइम, मलिक मुझे टाइम क्यों नहीं देता? बस नहीं देता। मलिक की वीडियो देखते हैं आप जी? हाँ क्यों नहीं देखते। अड़क भाई नाराज हैं। बस आपने दिल दुखाया तो नाराज ही रहेंगे। ये मलिक बहुत परेशान है, दो जलेबी खाने आया था लेकिन बिल्कुल फुल है अंदर से। मलिक बैठने की जगह नहीं है, नहीं बैठने की जगह नहीं। परेशान है तू? बिल्कुल। ये आपकी कमी को पूरा कर सकता है। कौन सी कमी को? मतलब अगर जो आप दिन रात मेहनत करते हो ना, जो रात को ज्यादा करते हो, समझ रहे हो? उसकी कमी को पूरा कर सकते हो। मलिक हाथ ही ला दे। मलिक किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं? ऑफिस। ये मलिक के उतरने का स्टाइल चेक करिएगा। मलिक सफर कैसा रहा? जबरदस्त। तो यार गाड़ी ठुक चुक गई थी, हम आ गए हैं ऑफिस। ये आपके भाई आर एम जी रेड मीडिया ग्रुप का ऑफिस है। दो जलेबी। कादिर भाई कैसे हैं? अच्छा। मान ना मान बच्ची से बात कर रहे हैं। मैं नहीं मानता। ये बहुत अच्छे भैया हमारे यार, लव यू हो गया भैया। और हमारे मेहमान खसूसी मलिक, इधर आ जाओ, इधर इधर इधर। फेसबुक को नीचे से उठाओ, यूट्यूब को उठाओ, क्या बात है। मलिक बड़ा काम का बंदा जी हमारा। मलिक कितने प्याले खाएगा इसमें से? पता नहीं क्या चीज़ है। क्या चीज़ है। अच्छा तो मलिक मुझे ये बता, पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार गए तो परेशान है? नहीं बिल्कुल परेशान नहीं है, मगर मैच आज जीत अल्लाह से, मगर मैं इंग्लैंड जीत गया ठीक है, फिर मैं रखना किधर है? क्या चीज़? हमारा कप किधर रखना है? इंग्लैंड वाला कब किधर रखना है? हमारा एक बंदा इधर बैठा हुआ है, सर पाकिस्तान में मशहूर है। क्या मतलब, कौन सा बंदा बैठा हुआ है? मालूम है, गंजा कालवा, गंजा कतवाला, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ हाँ। वो क्या करेगा वर्ल्ड कप? वो तो बैठा हुआ है ना सर, पैसे ले गया इंग्लैंड में। कब किधर रखना है इंग्लैंड वाला पूछो। अच्छा अच्छा अच्छा, किधर रखना है? ये कह रहे कब तो मतलब वो ले गए इंग्लैंड वाले, इंग्लैंड वाला है। नवाज शरीफ ले आएगा वापस? वापस इंशाल्लाह आएगा कप। हमारा बंदा इधर बैठा हुआ है। अच्छा अच्छा, मतलब कोई मसला नहीं। बड़ी आज तूने अकल वाली बात कर दी है। हाँ। कोई नून लीग वाले मुझे पकड़ लिया ना, गांड उठा के ले जाना। नून लीग वाले से मेरे जिगर यार, मैंने नवाज शरीफ गलत बात किया? नहीं ये हुनर है उसका, खाली बस हमारा बंदा इधर बैठा हुआ है।
इंग्लैंड वाला कब पूछो, कब संभाल रखो, संभाल के रखो। चलो जी, गैर सियासी पोस्ट समझ के लेना, इसको दिल पे नहीं लेना। खान हमारा बहुत मासूम बंदा है, लेकिन कब संभाल के रखो। हाँ, संभाल के रखो। तो बाकी यार, ये मेरे भाई हैं हटक भाई। हटक भाई ने आज हमारा खर्चा कितने का खर्चा किया हटक भाई? हाँ, हटक भाई ने खर्चा किया कोई 800-900 का। चल झूठा फिल्में चला रहे हैं कैमरे के सामने, ऊंचा हो जा, थोड़ा लंबा लंबा चौड़ा कर रहा। हाँ, बाकी 300-400 का खर्चा तो मारा ही होगा भाई ने, तो अल्लाह भी हो गया हटक भाई। अच्छा, बच्चियों को छेड़ेगा दोबारा? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं छेड़ेगा। नहीं, मैं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ। दिल की तरह तुम्हारा, खुदा की कसम। अरे मैया, तू तो देख। तो यार, हम 4-5 लोग बैठे हुए थे, हम तैयार कर रहे थे अपने व्लॉग चैनल का इंट्रो, के किस तरह से स्टार्ट करना है, कैसे बोलना है, हमने तैयार कर लिया। और सब एक एक दफा ट्राई करेंगे कि सबसे अच्छा और सबसे बुरा कौन बोल रहा है। एक ट्राई भाई करेंगे, मैं कह रहा हूं पहले। हाँ, हेलो एलिगेंट आर्मी। तो भाई और बहनों, स्वागत है आप लोग का एक नए व्लॉग में। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। हेलो एलिगेंट आर्मी। तो भाई और उनकी बहनों, स्वागत है। तू रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। हेलो एलिगेंट आर्मी। तो भाई और उनकी बहनों, स्वागत है आपका नए व्लॉग के अंदर। ये क्या है? हेलो एलिगेंट आर्मी। भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत है आपका नए व्लॉग के अंदर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इसमें थोड़ा सा टच 50-50 आ रहा होगा, इग्नोर करें उसे और बताएं कि सबसे अच्छा किसने बोला और सबसे बुरा किसने बोला। तो भाई लोग, आज के पूरे दिन में कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी आपके भाई की ठुक-ठुक गई थी। तो आप सोच नहीं सकते आपके भाई के दिल पे क्या बीती है, क्योंकि उसने गाड़ी के साथ नहीं ठोकी थी, मेरे दिल पे ठोकी थी। तो बहरहाल यार, गाड़ियां शड़ियां ठुकती रहती हैं, नुकसान होते रहते हैं, टेंशन मेंशन नहीं लेनी, अल्लाह पाक सब खैर करेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक एलिगेंट आर्मी को ज्वाइन नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके साथ आप टकरे मारेंगे, उस पर झुकते मारें, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।